तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जिस वीडियो का आपका इतने टाइम से इंतजार था वो फाइनली मैं ला चुका हूँ, यानी डोरेमोन सीरीज की टॉप 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स का पार्ट 3। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूजी, दोस्तों सूजी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2005 के एनीमे सुनियो इस लव नाम के एपिसोड में। दोस्तों सुनियो से रब्बी करता है और इसने अपने घर पे कई सारे स्नेक्स और एक डॉग को भी पाला हुआ है। और दोस्तों ये यूके में रहती है। फ्रिया, दोस्तों फ्रिया का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डोरेमोन द मूवी नोबिटास एडवेंचर ड्रिफ्ट इन द यूनिवर्स में। और दोस्तों द यंग स्पेस नाइट्स की मेंबर भी है। प्रिंसेस राइड, दोस्तों इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डोरेमोन द मूवी नोबिटास हरा हरा प्लेनेट में। दोस्तों ये रॉयल फैमिली की अकेली मेंबर है एंड ग्रीन प्लेनेट की रूलर भी। पालू पालू, दोस्तों पालू पालू का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डोरेमोन द मूवी द किंगडम ऑफ क्लाउड्स में। और दोस्तों ये गोलियो की छोटी बहन है। काना हाटोमोटो, दोस्तों काना हाटोमोटो एक आइडियल सेलिब्रिटी है। दोस्तों ये नोबिता की फ्रेंड है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था गुड एंड बैड फ्रेंड बैलेंस इंजेक्टर नाम के एपिसोड में। बैटी, दोस्तों बैटी का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1979 के एनीमे टूअर रोबोट नाम के एपिसोड में। और दोस्तों बैटी के पापा अमेज़न के जंगल में खो जाते हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए बैटी अमेज़न की जंगलों में जाती है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है डोरेमोन और नोबिता से, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने के लिए आए हुए होते हैं। और डोरेमोन बैटी को उसके पापा से मिलवाने में उसकी हेल्प करता है। रोटी, दोस्तों रोटी का नेचर काफ़ी फ्रेंडली है और ये जर्मनी में रहती है। और दोस्तों उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मूविंग टू द हॉन्टेड कासल नाम के एपिसोड में। और दोस्तों ये द एंशिएंट जर्मन कासल की ओनर भी है। नजूमी ओहारा, दोस्तों इसका ड्रीम है एक बहुत बड़ा आइस स्केटर बनना और इसकी मेन हॉबी है आइस स्केटिंग। और दोस्तों इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था नोबिताज फ्रेंड्स आइस शो नाम के एपिसोड में। क्वींजियाना, दोस्तों इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डोरेमोन द मूवी किंगडम ऑफ रोबोट्स में। और दोस्तों ये रोबोट किंगडम में रहती है और वहाँ की क्वीन है। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। और नंबर 1 पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर लो यार, जल्दी से कर दो। तो आइए अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। स्नो स्प्रेड, दोस्तों स्नो स्प्रेड का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था स्नो स्प्रेड एंड नोबिताज फ्रेंडशिप नाम के एपिसोड में। तो नोबिता ने स्नो स्प्रेड को डोरेमोन के गैजेट की मदद से बुलाया था और नोबिता और स्नो स्प्रेड दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंड स्नो स्प्रेड नोबिता को काफ़ी पसंद भी करने लगती है। और आखिर में जब नोबिता की तबीयत खराब होती है तो स्नो स्प्रेड खुद का सैक्रिफाइस देके नोबिता की तबीयत को ठीक करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। आइए तो लाइक ठोक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।